हे गाइस, सो मैथ्स का एक बार जरा देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर आया, एनालिसिस कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरह का पेपर है। तो इसमें डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस का था कि एक आदमी जो है विलेज से पोस्ट ऑफिस गया 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड से और 4 किलोमीटर पर आर की स्पीड से वापस आया, तो 5 घंटे 48 मिनट लगे। तो डिस्टेंस फाइंड करना है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का। और दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रेडर ने मार्क किया किसी चीज़ को, अपनी किसी वस्तु को 20% पे, और उसने डिस्काउंट दे दिया 10% का मार्क प्राइस पे, तो एक्चुअल प्रॉफिट पता करना था इसका। काफ़ी इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। और फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड वर्क का, 39 आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं 5 घंटे काम करते हुए, तो 30 आदमी उस काम को 6 घंटे करते हुए कितने दिन में काम करेंगे। M1D1 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, M1DH वाला फॉर्मूला लगा देना, MDH इज इक्वल टू M2D2H, ठीक है, H2 उससे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एंगल ऑफ ट्राइंगल्स दे रखे रेशियो में, एक्स मान लेंगे तो 8 6 14 4 18 इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10 और तो एंगल आ जाएंगे 80 60 और 40, ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। और मर्चेंट के पास 3 तरह के मिल्क हैं, 435 लीटर, तो 493 और 591, और उसमें पता करना है कि केक इक्वल साइज से कितने बन पाएंगे, साइज रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल द मिल्क विदाउट मिक्सिंग, ठीक है। तो HCF LCM क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एवरेज का, एवरेज एज दे रखी है 30 बॉयज़ की क्लास में 15 साल है, एक 20 साल का जो बच्चा क्लास छोड़ देता है तो, और उसकी जगह एक नया बच्चा आ जाता है जिनकी एज में 5 साल का कम है। तो अब जो सारे बच्चों की एज 15 साल हो जाती है तो नए बच्चे की एज बतानी है, तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये भी अगर देखा जाए तो। फिर बोर्ड मास का क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चन दिया, एसएससी का बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू सम ऑफ ओ इज इक्वल टू सम एंड डिफरेंस दे रखा है एलसीएम एंड एचसीएफ का, क्वेश्चन थोड़ा लगता है, सॉरी गाइज। नंबर फाइंड करना है इफ देयर सम इज 168, तो गाइज इजी क्वेश्चन है। अगर आप एलसीएम एचसीएफ का देखें तो व्हील ऑफ इंजन है जिसका सरकमफ्रेंस दे रखा है 4 रेवोल्यूशन लगा रहा है 2 सेकंड में, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड करनी है, इजी है, इसको जो है आप कर सकते हैं। गाइज मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ वरना सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना, या मेरे को इतना इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ गाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो है वो बढ़ रही है 25% से, अगर उसकी अभी पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो डिफरेंस क्या होगा 3 साल और 2 साल की पॉपुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्चेंट जो है वो 2 तरह के टी को 45 पर केजी और 60 पर केजी, तो ये एलिगेशन मिक्सचर से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, 8,000 रुपये, एक मिनट, डिफरेंस फाइंड करना है, सॉरी डिफरेंस फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपये पे क्या डिफरेंस आएगा 3 साल में 5% की दर से। तो गाइस काफ़ी इजीली हो जाएगा, इसका फॉर्मूला भी है, मैं तो फॉर्मूला से नहीं करता लेकिन बेसिक्स अगर आप करेंगे तो उससे हो जाएगा, काफ़ी इजीली हो जाएगा। और इसका जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा आपका 5%, 5 से 15 8 120, 120 मिल जाएगा, 120 और इधर मिल जाएगा 40 40 40, तो वो मिलता रहेगा 100, तो उस तरह से हो जाएगा। खराब सॉल्व कर लीजिएगा पेन से, मैं विदाउट पेन सोच रहा था हो जाए, है ना, तो हो तो जाएगा, लेकिन आप वीडियो तो लंबा नहीं करना चाह रहा मैं, आपको क्वेश्चंस मिल जाएं और आप इसको सॉल्व कर लें। सॉरी गाइस ये थोड़ा नीचे चला गया। सम ऑफ 6500 को डिवाइड करना है कुछ लोगों में, अगर वहाँ 15 लोग ज़्यादा होते तो सबको 30 रुपये कम मिलते, तो बताना कितने लोग ओरिजिनली वहाँ थे। अब ये दे रखा है कि इन अ सेट ऑफ 3 नंबर्स, एफ दो जो दो हैं शुरुआत के उनका एवरेज 2 है और जो लास्ट 2 नंबर है उनका एवरेज 3 है, तो एवरेज करना फाइंड करना है फर्स्ट और लास्ट नंबर का, वो फर्स्ट और लास्ट नंबर का 4 एवरेज दे रखा है, एवरेज पूछा 3 नंबर का, इजी क्वेश्चन है तो ज़्यादा हार्ड है नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इजी है, अगर आप पावर इंडेक्स का, एक्चुअली मैंने 10th तक के CBSE बोर्ड के बच्चों को पढ़ा है तो इससे मेरे को और भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी था, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है 6 डिजिट का जो कि 15 21 28 से डिविजिबल हो, तो इसमें आप जो है एलसीएम निकाल देंगे, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब आते हैं मैथ्स के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि ये है कि, अब गाइज मैं कुछ मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ सीधे सीधा। 2 नंबर हैं 7%, सॉरी 2 नंबर 7% एंड 28%, तीसरे नंबर का 7% है और 28% पहला और दूसरे नंबर, तो पता करना है कि जो दूसरा जो है पहला नंबर जो है वो दूसरे का कितना परसेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट हैं क्लास में
12,000, और वो 5% फर्स्ट ईयर में बढ़ते हैं, और सेकंड ईयर में वो 10% घट जाते हैं, 15% फिर बढ़ते हैं थर्ड ईयर में, और फिर बताइए क्या स्ट्रेंथ है 3 साल बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेडियस और वॉल्यूम जो है राइट सर्कुलर कोन के वो डबल कर जाते हैं, तो रेशियो क्या आएगा लार्जर कोन का स्मॉल कोन के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 14/15 एंड देयर क्वेश्चन इज 35/24, तो ग्रेटर फ्रैक्शन पता करना है इसमें, ठीक है गाइस आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री मेजिंग रॉड्स जो है 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ में फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लोथ दैट कैन बी मेजर्ड एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी वन ऑफ द अबव रॉड्स। तो इसमें जो है आप निकाल सकते हैं कि जो क्वेश्चन जो है इसमें कि कैसे आपको मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेशो बी प्लस सी 1:3 है, सी रेशो ए प्लस बी 5:7 है, तो फाइंड बी रेशो ए प्लस सी, तो इसमें कुछ नंबर इमेजिन कर लेना उससे हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश लॉस्ट 20% ऑफ हिज पॉकेट मनी एंड स्पेंड आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर ही हैड 960 लेफ्ट परसेंटेज। ईजी क्वेश्चन है काफ़ी, तो मैथ्स के देखा जाए तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आया है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, बैंक की मैथ्स कहीं से नहीं है, बेसिक मैथ्स है बिल्कुल ही। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं थोड़ा आगे चला गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10 से 12.5% बढ़ जाता है, तो उसकी एनुअल इनकम जो है वो 1250 रह जाती है, मतलब 2.5% सीधा सीधा बढ़ रही है, 2.5% इज इक्वल टू 1250, 2.5% 100% वैल्यू निकालेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। नाइन मैन और 6 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज इफ वीमेन टेक ट्वाइस, यहाँ पे एफिशिएंसी दे दी है मैन की और वीमेन की, फिर वहाँ से पूछा है कि क्या होते हैं 4 आदमी कितने में कर लेंगे, तो एफिशिएंसी सीधा सीधा हो जाएगा, पता चल गया एफिशिएंसी सीधा सीधा। और पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने साल लगेंगे 1250 से 10,000 होने में अगर 12.5% की दर से लगाया गया कोई पैसा, तो आर्टिकल है मार्क किया 65% से, अगर कस्टमर जो है वो 56.16 रुपये खरीदता है और 2 सक्सेस से डिस्काउंट देता है 10% का, पहला डिस्काउंट 10% है, दूसरा डिस्काउंट बताना था उसका, है ना, 65 का चीज़ जो है 56.16 की हो गई है। सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट 4,000+ 1 ईयर में, और जो है नेक्स्ट वो 3 साल में 4,723 रुपये 92 पैसे बन जाती है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 4 द सम ऑफ क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ये भी हो जाएगा, चार एक नंबर को 4 से डिवाइड करने पर क्वेश्चन और रिमाइंडर सम 8 है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, नंबर दे रखा है ऑप्शन से कर लीजिएगा सीधा सीधा हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर है ना, तो ऑब्वियसली सी तो होगा नहीं, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4×5 20, बी ऑप्शन हो जाएगा, 4×5 20 और 3 रिमाइंडर बच रहा है, 5 और 3 8 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि 2 और 5 7 होते हैं, ठीक है, और 4×5 20, 5 और 5 10 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी हो गया, बी हो गया सीधा सीधा, बिना क्या बोलते हैं पेन कैप कर लेंगे। तो गाइस आप देख रहे होंगे पेपर काफी इजी आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने जैसे बताया था कि सिर्फ अर्थमेटिक आने वाला है, एडवांस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बोलते हैं, ये स्फेरिकल बॉल जो है 6 सेंटीमीटर की मेल्ट की जाती है, और 2 बॉल जो 3-4 सेंटीमीटर की हैं उसके रेडियस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो रेडियस जो है थर्ड बॉल का क्या होगा, ठीक है, 3 बॉल बनाई जा रही है, तो इजीली हो जाएगा ये, वो उससे उसका उसके फॉर्मूले से, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बड़ा वाले का इज इक्वल टू 3 का सम के बराबर हो जाएगा ना, 4 ये जो है 4/3 πr² वो πr³ से, है ना। मोहन बॉट अ हॉर्स एंड सोल्ड इट 10% प्रॉफिट बेचता है, अगर वो 20% कम पे बेचता तो 100 रुपये ज़्यादा मिलते, अगर तो उसे 40% प्रॉफिट होता। SSC में खूब आते हैं क्वेश्चन, है ना, ईजी क्वेश्चन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3, तो ये भी इजी है, आप इसको पॉइंट में चेंज करके देख सकते हैं, है ना, कैसे भी कर सकते हैं। 3 नंबर है, 3, 4, 5, उनका एलसीएम देखा 2400, एचसीएफ निकालना है वो भी हो जाएगा, एलसीएम जो होगा इनका क्या होगा, है ना, इजीली हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट जो है, x+2 डिवाइड करता है किसी नंबर को, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है, तो इसमें x+2 इज इक्वल टू 0 रख दीजिएगा, x के लिए -2 आ जाएगी, उसको रख के k की वैल्यू निकल जाएगी, इक्वल टू 0 रख देना, क्योंकि जब कर लीजिएगा सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसकी हाइट और रेडियस दे रखा है, और जो है ये स्टैंड बनाई जाती है, तो उसका पूछा है कि रेडियस क्या होगा इसके बेस का, और 3 नंबर हैं, को प्राइम है, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू दे रखा है 551, लास्ट टू इज 1073, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का सम फाइंड करना है। ऑन सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट जो 12.5 साल में 3/4 जाता है सम का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो पाइप्स एंड सिस्टर्न का है, और ऊपर वाला बोर्ड मास का है, ठीक है, तो इसकी 10 मिनट में भरता है, भर सकते हैं, है ना,
और लीकेज की वजह से टैंक जो है 40 मिनट में भरता है। तो टैंक अगर इनिशियली एम्प्टी हो तो कितना टाइम लगेगा दोनों को भरने में? सम ऑफ दे रखा है क्यूब्स का जो नंबर इस रेशो में, तो फाइंड द थर्ड थ्री नंबर्स रिस्पेक्टिवली फाइंड हो जाएंगे, है ना। तो आप देख लीजिए कौन से रेशो में, कई कई नंबर तो रेशो में होंगे भी नहीं। जैसे 23 वाला सीधा सीधा दिख रहा है कि रेशो में तो होगा ही नहीं, क्योंकि 23 किसी डिवाइड ही नहीं होता, है ना। तो सॉरी क्यूब है ना, हाँ क्यूब भी है, तो अभी नंबर्स पूछे हैं ना, तो सीधा सीधा हो जाएगा ये भी। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट जो है आप इसको निकाल सकते हैं इजीली, है ना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। डीआई का क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, डीआई तो इजी आया है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इतना बन जाता है, ठीक है। रवि कवर करता है डिस्टेंस 12 किलोमीटर, रवि जो है कवर कर रहा है 12 किलोमीटर डिस्टेंस 45 मिनट्स में। अगर वो 3/4 हो तो डिस्टेंस 2/3 टाइम में करे तो उसकी स्पीड निकालनी है। इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज मार्केट बोरिंग, डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी इजी आए हैं, मैं देख लिए पहले ये, ठीक है। दोनों डीआई के क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, ठीक है, दोनों डीआई के। अब आ जाते हैं हिंदी पे। तो गाइज हिंदी काफ़ी ज़्यादा इजी आई है, इतनी हार्ड नहीं आई हिंदी भी। तो प्रधान का विलोम शब्द बताइए, है ना। तो गाइज आपको पता ही है आदान प्रदान, मैं नाम सावित्री, मेरा नाम सावित्री है। उग्र का क्या हो जाएगा? विलोम शब्द, विलोम शब्द लिखना है आधिकारिक का, है ना। तो ये भी हो जाए अधिकाधिक, सॉरी आधिकारिक नहीं अधिकाधिक है ना। 15 अगस्त को इसमें त्रुटि पहचाननी है, तो 15 अगस्त हमें हमारे मृत सैनिकों का स्मरण कराता है ना। तो इस तरह से ये एक एरर दे दिए सीधा, उस तरह से इंग्लिश का हिंदी बना दिया। मुहावरों का अर्थ लिखना है हाथ मान हाथ मलना, है ना। ऑब्वियसली आपको पता ही होगा पश्चाताप करना, वह तुम काम है, वह तुम्हारा काम है। ऑब्वियसली हिंदी काफ़ी इजी है। खाक में मिलना, मिट्टी में मिल जाना, रास्ता दिखाने वाला, ये बहुवचन, उस बहुवचन में कन्वर्ट करना है इसका। सॉरी सर्वनाम लिखना है वह का, सॉरी वह का सर्वनाम लिखना है ना। तो वह की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें जो आपको ऑप्शन सही लगे, है ना। तो जो मैंने एक्चुअली पेपर देखा नहीं, डायरेक्ट आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ मैं कैसा पेपर आया है कैसा नहीं आया है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अवसर के अनुसार बदलना, शब्द लिखना है, एक शब्द लिखना है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द। जैसे ही हम आंगन के अंदर पहुंचे, जंगल के, सॉरी जंगल के भीतर पहुंचे, हाथी की दहाड़ सुनकर हम डर गए, कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट है गाल बजाना, फिर चूहा उसकी पीठ देखकर खेलने लगा, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन आए हैं, है ना। हिंदी भी देखेंगे तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ऐसी कि बहुत ज़्यादा हार्ड आई है, ईजी है ना। अज्ञान का अपोजिट वो पर्यायवाची शब्द लिखिए, और जो है मेरा घर डाकघर के नज़दीक है, किनारे है, पास है, क्या है, वो उस लिखना था इसमें आंसर, है ना। और नीचे जो है फिर अगला जो है पैसेज आ गया है इसमें, है ना गाइस। पैसेज है और पैसेज है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, ईजी है, सीधे सीधे दिख रहा है उनका आंसर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये PQRS वाले क्वेश्चन आए हैं, और ये भी इंग्लिश भी काफ़ी ईजी आई है। ईजी टू कैरी पोर्टेबल हो जाएगा, मिस स्पेल्ड वर्ड देखना था, साइंटिफिक एंटमोलॉजी हो जाएगा, साइंटिफिक स्टडी, है ना। इस तरह से PQRS आए हैं ये, है ना। नेक्स्ट है फोरसाइट का क्या हो जाएगा, है ना। तो प्रेडिकामेंट क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड रवीज, है ना। कॉन्फिडेंस वॉट एवर जो आप लिखना चाहें देख लीजिएगा ऑप्शन। तो गाइज ये क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं आई है, इम्पेरेटिव है और लास्ट में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। और अगर आप लास्ट में देखें तो पैसेज है जिसके क्वेश्चंस नीचे दे रखे हैं, और आंसर भी इजीली मिल जाएंगे उसी में ही, ठीक है गाइज। तो ये पेपर था, और आपको एनालाइज कैसा लगा, और साथ में थैंक्स करना चाहूँगा जिन मेंबर्स ने मेरी हेल्प की और इस पेपर को एनालाइज करने में और पेपर सेंड किया है। तो गाइस बहुत सारा धन्यवाद आप सब लोगों को, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। एंड ऑल दी बेस्ट टू दी कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन द नेक्स्ट एग्जाम, आई मीन टुमोरो। सो ऑल दी बेस्ट गाइज, एंड हैव अ नाइस डे।